हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको जेसीबी को कैसे चलाते हैं, यानी कि आपका हाथ अगर नहीं जमता है तो उसको कैसे जमाएं। मान लो कि आपको कुछ ज़्यादा ही समय हो गया है जेसीबी सीखते सीखते, लेकिन सीख नहीं रहे हो। जेसीबी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता आपको, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है, गियर मटकाना भी नहीं आता है। अगर आपका हाथ जम नहीं रहा है, जेसीबी बूम झटका देता है एकदम इसे स्पीड में नहीं चलता है बूम आपसे, तो इस वीडियो में आज हम बताएंगे आपको जेसीबी का बूम से हाथ कैसे जमाएं, जेसीबी बूम को चलाने के लिए हाथ कैसे जमाएं। सबसे पहले तो जेसीबी बूम को चलाने के लिए, एकदम फास्ट चलाने के लिए हाथ को जमाना चाहिए। तो हाथ को जमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है आपको, तो इस वीडियो में आज हम ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको जो आपका हाथ एकदम से काम करेगा और जेसीबी का बूम एकदम फास्ट चलेगा, बिल्कुल बिना झटके लगे आप एकदम से चला सकते हो। तो आप इस वीडियो में देखते रहिए दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जेसीबी का बूम चलाने से पहले आपको जेसीबी का फंक्शन मालूम होने चाहिए, अगर मालूम नहीं है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है लिंक, उस पर जाके देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप सिखाते हैं आपको पॉकेट को कैसे भरते हैं। तो चलिए दोस्तों, पॉकेट को भरते हैं। पॉकेट को भरने के लिए दोस्तों राइट वाले गियर को आगे पीछे करके भरना है, इस तरह से भर गया। फिर बाद में आगे करना है, लेफ्ट वाले गियर को पीछे खींचना है, पीछे खींच के फिर आगे बढ़ाना है। ये देखिए, धीरे 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 आगे करना है। ये देखिए दोस्तों, आ गया। इसके बाद हमको खाली करना है, तो खाली करने के लिए दोस्तों तो राइट वाले गियर को आगे करना है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला राइट गियर है, इसको थोड़ा धीरे धीरे आगे करेंगे। ये देखिए आगे हो गया, राइट की तरफ ही आगे करना है। लेफ्ट वाले गियर को राइट की तरफ खींचेंगे दोस्तों, फिर से हमारा बूम नाली में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बूम नीचे करने के लिए लेफ्ट वाले गियर को राइट वाले स्क्रू की तरफ आगे करेंगे, तो ये देखिए हमारा बूम नीचे हो गया दोस्तों। राइट वाले गियर में पीछे का राइट वाला स्क्रू है, उस पर करेंगे गियर को। ये देखिए अपना बूम भर जाएगा, बॉकेट भर जाएगा। अब गियर को आगे पीछे करके बॉकेट को भरना है। ये देखिए गियर को आगे पीछे कर रहे हैं, बॉकेट भर गया। अब राइट वाले गियर को ऊपर का जो स्क्रू है, लेफ्ट वाला स्क्रू, उस पर करेंगे, डीपर ऊपर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, ऊपर ये हो गया। अब बूम को ऊपर करने के लिए लेफ्ट वाले गियर को पीछे खींचेंगे लेफ्ट की तरफ, तो ये ऊपर हो जाएगी। फिर गियर को लेफ्ट वाले स्क्रू पे करेंगे, ऊपर के लेफ्ट वाले स्क्रू पे, तो हमारा बूम लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों इस तरह से। अब बॉकेट खाली करने के लिए राइट वाले गियर को आगे की ओर करेंगे, ये देखिए हमारा बॉकेट खाली हो गया। लेफ्ट वाले गियर को राइट की तरफ करेंगे तो बूम राइट की तरफ हो जाएगा। ये देखिए कि बूम नाली में आ गया दोस्तों, ये देखिए बूम नाली में आ गया। अब जिसकी गियर को लेफ्ट वाले गियर को आगे की स्क्रू करेंगे तो हमारा बूम नीचे हो गया। तो दोस्तों पूरा पॉकेट भरने के लिए हमको बूम को सेट करना है ताकि हमारा पॉकेट अच्छे से भर सके। ये देखिए हमने कर दिया दोस्तों। अब राइट वाले गियर को आगे पीछे करके भरना है। ये देखिए हमारा राइट वाले गियर है, इसको आगे पीछे कर रहे हैं, ये पॉकेट भर गया। और साथ में ही इस वाले लेफ्ट वाले गियर को भी पीछे खींचे ताकि अच्छे से भर सके और ऊपर उठ के भर सके। ये भर गया, ये देखिए दोस्तों। अब वापस लेफ्ट वाले गियर को पीछे खींचेंगे और साइड में कर देंगे और हमारा बूम साइड में हो गया। ये देखिए अब इसको खाली कर रहे हैं राइट वाले गियर को आगे। दोस्तों ये तो आपने सीख लिया है कि पॉकेट कैसे भरते हैं और बूम को कैसे चलाते हैं। अब जानते हैं हाथ को कैसे जमाएं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिना झटके लगे बूम को कैसे चलाएं हाथ जमा के, बिल्कुल आज ही सीखें। जेन्यून ट्रिक है दोस्तों, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे आपको। तो चलिए, उसके लिए सीखने के लिए आपको नाली में जाना है, जहाँ पाइप लाइन की खुदाई होती है वहाँ से आप लाइन को खोदना है, वहीं आपका हाथ जमेगा दोस्तों। जी हाँ, चलिए तो शुरू करते हैं कि कैसे जमाना है हाथ को दोस्तों। हाथ जमाने के लिए निगाह बूम पर होनी चाहिए और दोनों लेबरों पर हाथ होने चाहिए। दोनों हाथ लेफ्ट वाले गियर को लेफ्ट की तरफ 2 सेकंड के लिए आगे करेंगे, फिर इसके बाद में राइट की तरफ करेंगे लेफ्ट वाले गियर को ही, फिर इसके बाद में राइट वाले गियर को पीछे हटाएंगे और थोड़ा थोड़ा ऊपर हटाएंगे लेफ्ट वाले गियर को, फिर इसके बाद में आगे पीछे करके भरना है। राइट वाले गियर से आगे पीछे करके भरना है दोस्तों। ये देखिए पॉकेट भर गया है। अब इसको पीछे उठाएँगे, राइट की तरफ करेंगे दोस्तों, तो ये राइट की तरफ हो जाएगी बूम। उसके बाद में राइट वाले गियर से खाली कर देंगे राइट वाले गियर को आगे करके, फिर इसके बाद में लेफ्ट वाले गियर को वापस नाली में गिराएंगे 2 सेकंड के लिए आगे करके गियर को, फिर इसके बाद में राइट वाले गियर को आगे पीछे करके भरना है। ये देखिए हमारा पॉकेट भर गया है। ये इस तरह से राइट वाले गियर से भरना है, फिर लेफ्ट वाले गियर से पीछे उठाना है, फिर बाद में राइट में करना है लेफ्ट वाले गियर को, फिर इससे राइट वाले गियर से खाली करना है पॉकेट को, फिर वापस से नाली में गिराना है लेफ्ट वाले गियर को आगे करके। ये देखिए इस तरह से करना है दोस्तों, इस तरह से। फिर बाद में राइट वाले गियर को पॉकेट भरना है आगे कर पीछे करके दोस्तों। ये देखिए भर गया। फिर वापस लेफ्ट वाले गियर को पीछे हटा के ऊपर करना है, फिर राइट में करना है, फिर राइट वाले गियर से आगे करके खाली कर देना है। ये देखिए जब तक कि अपना खाली नहीं हो जाए पॉकेट, जब तक
फिर से लेफ्ट वाले गियर को आगे करना है 2 सेकंड के लिए। तो ये देखिए हमारा बूम नाली में आ गया। फिर वापस लेफ्ट वाले गियर को राइट की तरफ आगे करेंगे, फिर नीचे चला जाएगा। फिर से अपन राइट वाले गियर को आगे पीछे करके बॉकेट को भरना है। ये देखिए बॉकेट भर गया है। तो अब इसको बाद वापस फिर से लेफ्ट वाले गियर को पीछे हटाएंगे, फिर बाद में राइट की तरफ कर देंगे। ये देखिए साइड में हो गया हमारा बूम। फिर उसके बाद में राइट से खाली कर देंगे पॉकेट को। इतना समझने के बाद में अब दोनों लीवरों को एक साथ में चलाएंगे दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों एक साथ में चलाने के लिए आपकी निगाह बूम पर होनी चाहिए, पॉकेट पर होनी चाहिए और दोनों लीवरों पे आपके दोनों हाथ होने चाहिए। राइट वाले गियर को आगे पीछे करके पॉकेट को भरना है दोस्तों। लेफ्ट वाले गियर को लेफ्ट की तरफ 1 सेकंड रोक के 1 सेकंड के लिए पीछे हटाना है। पॉकेट भरने के बाद लेफ्ट वाले गियर को पीछे खींचना है, राइट वाले गियर से आगे करके खाली कर देना है। फिर बाद में दोनों ही लीवरों को आगे करना है, फिर बाद में नाली में आ जाएगा। फिर इसके बाद में आगे पीछे करके पॉकेट को भरना है, पॉकेट भर गया। फिर बाद में साइड में कर देना है लेफ्ट वाले गियर से, फिर खाली कर देना है राइट वाले गियर से। दोनों लीवरों को आगे करना है, बूम लंबी हो जाएगी। फिर राइट वाले गियर से आगे पीछे करके पॉकेट को भरना है और पीछे हटाना है लेफ्ट वाले गियर को। हर 1 सेकंड छोड़ के 1 सेकंड के लिए लेफ्ट वाले गियर को पीछे हटा के लेफ्ट की तरफ कर देना है और राइट वाले गियर को राइट की तरफ कर देना है। फिर से दोनों ही लीवरों को आगे कर देना है, राइट वाले गियर को आगे पीछे करके पॉकेट को भरना है और लेफ्ट वाले गियर को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाएं और फिर बाद में पूरा ही उठा दें और लेफ्ट की तरफ कर दें। फिर बाद में राइट वाले गियर को खाली कर दें, लेफ्ट वाले गियर को राइट की तरफ कर देना है। फिर दोनों लीवरों को आगे कर देना है, राइट वाले गियर से आगे पीछे करके भरना है और लेफ्ट वाले गियर को धीरे धीरे हटाएँ 1 सेकंड के लिए। पीछे हटाएं, पीछे हटा के पूरा हटा दें, फिर लेफ्ट की तरफ कर दें, फिर राइट वाले गियर से खाली कर दें। बाद में वापस फिर दोनों लीवरों को आगे कर देना है जब तक कि बूम नाली में नहीं गिर जाए। राइट वाले गियर को आगे पीछे करके पॉकेट को भरना है और धीरे धीरे लेफ्ट वाले गियर को पीछे हटाएँ 1 सेकंड के लिए। पॉकेट भरने के बाद लेफ्ट वाले गियर को लेफ्ट की तरफ कर दें, फिर बाद में आगे कर दें लेफ्ट राइट वाले गियर से खाली कर दें इसको। फिर खाली हो जाएगा, फिर दोनों ही लीवरों को आगे करना है। फिर इसके बाद में पॉकेट को भरना है, राइट वाले गियर को आगे पीछे करके पॉकेट को भरना है। फिर वापस लेफ्ट वाले गियर को लेफ्ट की तरफ और राइट वाले गियर से खाली कर देंगे। दोनों लीवरों को आगे करना है, बूम लंबी हो जाएगी। राइट वाले गियर को आगे पीछे करके पॉकेट भरना है और लेफ्ट वाला गियर पीछे हटाना है, थोड़ा थोड़ा पीछे उठाना है ताकि बूम उठता रहे। लेफ्ट में कर देना है, बूम लेफ्ट में आ जाएगा। फिर राइट से खाली कर देना है पॉकेट को। फिर से दोनों लीवरों को आगे करना है दोस्तों ताकि हमारी बूम आसानी से नीचे जा सकती है। इसके बाद में हम चलिए नाली खुद चुकी है हमारी, अब इसको मशीन को पीछे हटाएंगे बूम के जरिए। चलिए बूम के जरिए पीछे इस तरीके से हटाना है, दोनों लीवरों को आगे कर देना है बिल्कुल इस तरह से। ये हमारी मशीन हट चुकी है पीछे दोस्तों। इस तरीके से आप जैसी भी चलाना बिल्कुल सीख सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।